भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जी हाँ, देश में रहना है तो भारत माता की जय कहना है। इन्हीं जोशीले नारों के साथ फारूक साहब पूर्व पीएम अटल जी को श्रद्धांजलि दे रहे थे, लेकिन उनकी देशभक्ति चंद गद्दारों को पसंद नहीं आई और बकरीद के दिन नमाज अता करने गए फारूक के साथ कुछ लोगों ने धक्का मुक्की की, काले झंडे दिखाए, देश विरोधी नारे लगाए, यही नहीं फारूक अब्दुल्ला पर जूते भी फेंकने की कोशिश की, जिस पर फारूक अब्दुल्ला बिफर गए। मगर कुछ लोग हैं जो मुसलमान नहीं है, नहीं समझता हूं मुसलमान, क्योंकि वो कभी ये नहीं करते कि नमाज पढ़ने नहीं देते लोगों को, मैं समझता हूं वो इस्लाम के दुश्मन हैं। फारूक अब्दुल्ला यही नहीं रुके, उन्होंने कश्मीर में अमन के गद्दारों को भी जमकर खरी खोटी सुनाई। अगर ये समझते हैं इससे आजादी आएगी तो मैं इनसे कहना चाहता हूं, पहले अपने आप को बेकारी से आजाद करो, बीमारी से आजाद करो, भुखमारी से आजाद करो, उसे आजाद करो अपने आप को। ये क्या है कोने में छुप के नारे मारते हैं, इससे प्यार नहीं दिखता, इससे नफरत दिखती है और इस नफरत को दूर करने की जरूरत है। ईद के दिन ये करने की क्या जरूरत है? क्या हम हिंदुस्तान से अलग हैं? हम हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं? नहीं है। हमने रहना इस मुल्क में है, मरना इस मुल्क में है, हम गद्दार नहीं है। फारूक के साथ हुई बदसलूकी पर बीजेपी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। किसी नेता को वो धक्का मुक्की करते हैं, इसका मतलब यह है कि उनके मन में कहीं ना कहीं बेईमानी है, गद्दारी है, देशद्रोह है। कोई घबराने वाला नहीं है। पाकिस्तान के आतंकवादियों को चुन चुन कर मौत के घाट उतारेंगे और जो किसी मस्जिद के अंदर किसी को नमाज पढ़ने से रोकेंगे उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। बकरीद के दिन फारूक के साथ बदसलूकी, वो भी तब जब वो नमाज पढ़ने गए थे, वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने जय भारत और जय हिंद कहा। भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। साफ है, फारूक से बदसलूकी करने वाले देश के गद्दार तो हैं ही, उनके मुस्लिम होने पर अब्दुल्ला का शक भी सही है।